हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीइंग प्रोडक्टिव ऑन अ वेकेशन डे। वेकेशंस आर रियली फन, लेकिन जब लॉन्ग वेकेशन होता है और हम ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो वो ग्रेजुअली बोरिंग बनने लगता है। इसलिए मैं डेली बेसिस में काफी सारा एक्टिविटीज ऐड करती हूँ ताकि मुझे लगे कि मेरा ये वेकेशन काफी फन और प्रोडक्टिव गया। फ्रेंड्स, मुझे काफी सारा कमेंट्स आ रहा है कि मेरा स्कूल कब रीओपन होगा, मेरा वेकेशन कब खत्म होगा। तो हमारे यहाँ केरला में समर वेकेशन 2 मंथ्स का होता है, अप्रैल एंड मई। सो मेरा स्कूल June 3rd को रीओपन होगा एंड मुझे 2-3 डेज में अपना 8th क्लास का बुक्स भी मिल जाएगा। सो राइट नाउ आई एम गोना क्लीन माय ड्रॉयर फॉर इट। सो कमिंग डेज यू कैन एक्सपेक्ट स्टडी व्लॉग्स फ्रॉम मी। सो इट्स ऑल रेडी और 1-2 दिन में हम बुक्स भी यहाँ अरेंज कर लेंगे। गॉट दिस करेक्शन टेप इन द प्रीवियस ग्रोसरी शॉपिंग, सो मैंने ये अभी तक खोला नहीं। दिस इज 3 मीटर करेक्शन टेप। वैसे ये अभी खत्म हो गया है, मैंने बहुत यूज कर लिया। यहाँ पर मैं एड्राइट क्ले से एक कॉफी मग बना रही हूँ, वो भी कैंसिल शीट के ऊपर। तो बीच बीच में मैं ऐसे शेप भी करके जा रही हूँ टू गेट 3D इफेक्ट। और बोलू यहाँ पर बना रहा है शिनचैन। तो आज लंच में था राइस, रायता, आलू गोभी की सब्जी, थोड़ा सा अचार और दाल। चलो फ्रेंड्स, अब कुछ मीठा खाते हैं।
चलो आज बनाते हैं मशरूम चीज सैंडविच। Adding some mushroom. So let's add some sauce too. Oops. और यहाँ मैंने थोड़ा सा ग्रिल कर लिया सैंडविच को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून, बाय बाय।